अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह रविवार को रायसेन के बाद दमोह पहुंचे और यहां चल रही मिशनरी संस्थाओं का दौरा किया। इस दौरान दोनों ने पाया कि धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की शिकायत जो उन्हें मिली उसमें सच्चाई है। धर्मांतरण की शिकायत सच पाए जाने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिशनरी संस्था से जुड़े 10 लोगों पर FIR दर्ज करवाई है। जांच के दौरान टीम ने पाया कि दमोह की बाइबल सोसाइटी में 17 साल के एक किशोर को डिंडौरी से लाया गया और उसे पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। दूसरा मामला दमोह के ही सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का। टीम के पहुंचते ही संस्था के लोग यहां से भाग गए। बाद में पुलिस ने दखल दिया और टीम यहां पर दाखिल हुई तो पता चला बिना रजिस्ट्रेशन के यहां चिल्ड्रन होम संचालित किया जा रहा था। गया है हमको बाइबल सोसाइटी में एक ऐसा बच्चा मिला जिसको 17 वर्ष की उम्र में डिंडोरी जिले से लेके आया गया है। उस बच्चे को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको उसके कैरियर से विमुख किया गया है। उसको एक कृष्णा नाम के व्यक्ति ने यहाँ लाकर डिंडोरी से हेनरी नामक व्यक्ति को सौंपा था। प्रथम दृष्टया ये मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरा मामला सेंट्रल इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज सोसाइटी का था, जो कि एक चिल्ड्रन होम चलाते थे। वो चिल्ड्रन होम पंजीकृत नहीं था। जब हम वहाँ पे निरीक्षण के लिए गए तो संस्था के लोगों ने ताला लगा दिया, हमको दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया, हमारा रास्ता रोका गया, शासकीय काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, बच्चों को शटर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सदस्य ओमकार सिंह जी बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से अंदर गए। हम बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जब वहाँ फेंसिंग का एक टूटा हुआ हिस्सा था उसके माध्यम से हमको अंदर भेजा। जाकर हमने देखा 91 बच्चों के नाम दर्ज थे। कुल 46 बच्चे हमको वहाँ मिले। उनमें से अधिकांश बच्चे हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक बच्चा मुस्लिम धर्म को मानने वाला था। सभी